बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरे भाई, मेरे बाबा उमर फ़ारूक डार पिछले 26 रोज़ से सियालकोट जेल की मौत की चक्की के अंदर पिस रहे हैं उन गुनाहों के लिए जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने 8 फरवरी को बाहर निकल के तमाम पीटीआई कैंडिडेट, मेरी वालदा रूबा उमर डार जो कि पीटीआई की नामजद उम्मीदवार हैं PP46 से, और मेरी दादो जो कि नामजद उम्मीदवार हैं NA71 से, इनके निशान नारियल के और बेबी कॉट के हैं। आपने 8 फरवरी को घरों से निकल के इस तादाद में वोट करने हैं, PP46 से नारियल पर मोहर लगानी है, NA71 से बेबी कॉट के ऊपर मोहर लगानी है कि पता चले लोगों को। आपने इंसाफ करना है उमर फारूक डार के साथ, आपने इंसाफ करना है चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ। 8 फरवरी को इस तादाद में निकल के आपने वोट करना है, आपके वोट से इस मुल्क में चेंज आना है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरे भाई, मेरे बाबा उमर फारूक डार पिछले 26 रोज से सियालकोट जेल की मौत की चक्की के अंदर पिस रहे हैं उन गुनाहों के लिए जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने 8 फरवरी को बाहर निकल के तमाम PTI कैंडिडेट, मेरी वालदा रूबा उमर डार जो कि PTI की नामजद उम्मीदवार हैं PP46 से, और मेरी दादो जो कि नामजद उम्मीदवार हैं NA71 से, इनके निशान नारियल के और बेबी कॉट के हैं। आपने 8 फरवरी को घरों से निकल के इस तादाद में वोट करने हैं, PP46 से नारियल पर मोहर लगानी है, NA71 से बेबी कॉट के ऊपर मोहर लगानी है कि पता चले लोगों को। आपने इंसाफ करना है उमर फारूक डार के साथ, आपने इंसाफ करना है चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ। 8 फरवरी को इस तादाद में निकल के आपने वोट करना है, आपके वोट से इस मुल्क में चेंज आना है। शुक्रिया।